तो दोस्तों शुरू हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 के 40वें मैच जो कि खेला जाएगा हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस और केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, यानी कि ढोकला वर्सेस हैदराबादी बिरयानी मियां। तो दोस्तों ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी तो गुजरात टाइटंस टॉप पे है। सनराइजर्स हैदराबाद अपने पहले दो मैच हारी जरूर थी लेकिन उन्होंने कमाल का वापसी किया है। हैदराबाद अपने पिछले 5 में से 5 मैच जीत के आ रही है और इन दोनों टीम का जो पिछला मुकाबला हुआ था यानी गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स का जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें सनराइजर्स ने ही बाजी मारी थी। अगर मैं दोनों ही टीम की बात करूं तो दोनों ही टीम में सिमिलैरिटी है, दोनों की बैटिंग ठीक ठाक है लेकिन बॉलिंग बहुत खतरनाक है। तो इस वीडियो में हम इस मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं कि इस मैच में किस टीम के ज्यादा है चांसेस जीतने के और जो टीम टॉस जीतेगी वो क्या फैसला कर सकती है, और साथ ही साथ मैं अपने 4 प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए पहले हम बात करते हैं गरबा किंग्स गुजरात टाइटंस की। तो अगर मैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग की बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका बैटिंग उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। इनकी बैटिंग में हार्दिक पांड्या का फॉर्म कमाल का रहा है और बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहाल सा रहा है। शुभमन गिल ने अपने पहले कुछ मैचों में फॉर्म दिखाया लेकिन उनका भी 2-3 मैच खराब होते हुए आ रहा है। ओपनिंग में पहले इन्होंने ट्राई किया था मैथ्यू वेड को लेकिन अब ट्राई कर रहे हैं साहा को, साहा का भी प्रदर्शन उतना अच्छा तो लग नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं इनके मिडिल ऑर्डर की तो हार्दिक पांड्या 3-4 नंबर पे खेल रहे हैं, उनका प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग रहा है एज अ बैटर और बॉलिंग भी वो काफी अच्छा कर रहे हैं, यानी कि हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन देख के वेंकटेश अय्यर को अपना करियर खतरे में नजर आ रहा होगा भैया। सही बात है। इनके पास डेविड मिलर भी है, राहुल तेवतिया भी है, दोनों ही एक एक मैच में मैच विनिंग प्रदर्शन दे चुके हैं। डेविड मिलर सीएसके के खिलाफ और राहुल तेवतिया तो पंजाब को उन्होंने 2 बॉल पे 2 छक्के मार के जिता दिया था। तो कुल मिला के बात करूं तो भैया इनकी बैटिंग ओके नजर आती है, पूरी अटैकिंग नहीं नजर आती है फिर भी ठीक ठाक है। बात करूं मैं अगर इनकी बॉलिंग की तो इनकी बॉलिंग इस आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द खतरनाक बॉलिंग में से एक है। इनका जो पेस अटैक है वो भी अच्छा है और इनका जो स्पिन अटैक है वो भी अच्छा है। इनके पेस अटैक में है मोहम्मद शमी जिन्होंने नहीं छोड़ी है कोई कमी अपनी बॉलिंग के प्रदर्शन में। इनके पास लॉकी फर्ग्यूसन भी है जो कि चाहते हैं बैटरों का बैट ही तोड़ दे, इतनी फास्ट बॉलिंग करते हैं। अलजारी जोसेफ भी इनके पास है जिनका प्रदर्शन ठीक ठाक सा रहा है। इनके पास है राशिद करामाती खान और आपको तो पता ही होगा कि बनारस में पान और लेग स्पिन में राशिद खान बहुत फेमस है। तो कुल मिला की बात करें तो इनकी बॉलिंग बहुत ही अटैकिंग है और बहुत ही खतरनाक है। अभी तक गुजरात टाइटंस जितने भी मैच जीते हैं उनमें से ज्यादातर मैच ये अपनी बॉलिंग के बदौलत जीते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबादी बिरयानी मियां। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले मैच में आरसीबी के फैंस को खून के आंसू रुलाए थे, मतलब भैया 68 रन पे ऑल आउट कर दिया था। चलिए अगर मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग की तो हैदराबाद के ओपनर है अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन। अभिषेक शर्मा का बीते कुछ मैचों में प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है और इनके जो कप्तान है कप्तान केन विलियमसन, इनका प्रदर्शन देख के तो लगता है भैया तुम T20 खेलने आए हो कि टेस्ट खेलने आए हो बे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, काफी धीमा खेले हैं ये। अगर मैं बात करूं इनके मिडिल ऑर्डर की तो पिछले कुछ मैचों में इनका भी मिडिल ऑर्डर का प्रदर्शन वाकई ही काबिले तारीफ रहा है। अगर मैं बात करूं राहुल त्रिपाठी की तो इस टीम के अभी के मुझे सबसे बेस्ट बैट्समैन लग रहे हैं ये। इनके पास एडन मार्करम भी है, उन्होंने भी 2-3 अच्छी पारियां खेली है। इनके पास निकोलस पूरन है जिनको इन्होंने 10 करोड़ में खरीदा था लेकिन निकोलस पूरन का अभी तक प्रदर्शन नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा रहा है। बाकी इनके पास वॉशिंगटन सुंदर अब्दुल समाज जैसे भी बैटर है जो की अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनकी बॉलिंग की तो भैया अगर फर्ग्यूसन उधर है जो कि अपनी बॉलिंग से आग उगलते हैं, उमरान मलिक अपनी बॉलिंग से पूरा ज्वालामुखी उगलते हैं, यानी कि ये बंदा 150 की स्पीड से बॉलिंग कर सकता है, इनका जो लोएस्ट स्पीड है वो 142-143 पे रहता है। तो भैया हैदराबाद से मैं यही पूछना चाहूंगा कि भैया क्या खिलाते हो उमरान मलिक को। अगर मैं बात करूं इनके बाकी बॉलिंग की तो टी नटराजन का प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग रहा है, भुवनेश्वर कुमार का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और वाशिंगटन सुंदर का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ मार्को जेनसन का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो भैया अगर गुजरात टाइटंस का बॉलिंग शेर है तो इनका भी बॉलिंग सवा शेर है, यानी कि ये मैच होने वाला है बेस्ट बॉलर्स वर्सेस बेस्ट बॉलर। तो अगर मैं बात करूं कि इस मैच में किस टीम के ज्यादा है चांसेस जीतने के तो भैया कहा नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, दोनों टीम के चांसेस है 50-50%, कोई भी टीम जीत सकती है। तो चलिए अब बारी है मेरे 4 प्रेडिक्शन की। तो मेरा पहला प्रेडिक्शन ये है कि इस मैच में हार्दिक पांड्या 50+ बनाएंगे। जिस फॉर्म में है भैया वो अब थोड़ा सा संभल के खेलने लगे हैं, कप्तानी पारी खेलने लगे हैं, तो मुझे लगता है इस मैच में वो 50+ तो बना ही देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रेडिक्शन की ओर। तो दोस्तों मेरा दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि इस मैच में लॉकी फर्ग्यूसन उमरान मलिक से ज्यादा विकेट लेंगे, दोनों ही बॉलर स्पीड किंग है लेकिन अकॉर्डिंग टू मी लॉकी फर्ग्यूसन उनसे ज्यादा विकेट लेंगे। चलते हैं अपने तीसरे प्रेडिक्शन की ओर। तो मेरा तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि इस मैच में
शुभमन गिल का विकेट भुवनेश्वर कुमार लेंगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भुवनेश्वर कुमार के हाथों ही शुभमन गिल की पारी का अंत होगा। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे और सबसे हार्ड प्रेडिक्शन की ओर कि ये मैच कौन जीतेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी गुजरात टाइटंस ये मैच जीत जाएगी। ये मैच कांटे का होगा इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस बाजी मार जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब वाला वहाँ लाल बटन दिख रहा होगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आपको फॉलो वाला बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।